Hello students, welcome back to my sociology classes. Today I will discuss about the second semester of BA class. Okay, आज हम बात करेंगे आपको आपसे बात करेंगे BA के second semester के पाठ्यक्रम के बारे में. Okay? इस बुक का नाम है भारत में समाज संरचना संगठन और परिवर्तन. ओके, सोसाइटी इन इंडिया स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज. इससे पहले जो हमने प्रीवियस वीडियो बनाई थी सिलेबस की बीए के, तो वो हमने इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए बनाई थी. वो हमारा केवल इंग्लिश में ही है, लेकिन ये जो हम वीडियो बना रहे हैं ये है आपके हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए. ओके, कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही थी कि मैम आपने इंग्लिश में बनाई है तो इंग्लिश में पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहा है, तो ये मैंने इसलिए उन स्टूडेंट के लिए भी बनाई है जिनको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी. तो आप प्लीज़ इस वीडियो को देखिए. ओके, तो आपकी ये भारत में समाज संरचना संगठन और परिवर्तन, सोसाइटी इन इंडिया स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज. ओके, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद के BA सेकेंड सेमेस्टर के नवीनतम पाठ्यक्रम अनुसार है ये बुक. द्वितीय सेमेस्टर है. ओके, और इस बुक के लेखक हैं प्रोफेसर डॉक्टर गोपी रमन प्रसाद सिंह. ओके स्टूडेंट, पाठ्यक्रम भारत में समाज संरचना संगठन और परिवर्तन, द्वितीय सेमेस्टर ऑफ BA क्लास. ओके, पाठ्यक्रम का विवरण यूनिट वन, इकाई वन में क्या है आपके, इकाई वन के जो टॉपिक हैं वो हैं, यूनिट वन के टॉपिक हैं भारतीय समाज की संरचना एवं संयोजन. गांव, शहर, नगर, ग्रामीण, नगरीय अनुबंध, भारतीय समाज में एकता और विविधता. ओके, अब आपका आता है इकाई टू, यूनिट सेकंड में. यूनिट सेकंड के टॉपिक हैं भारतीय समाज अध्ययन के भारतीय विद्या शास्त्रीय, ऐतिहासिक, संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक परिप्रेक्ष्य. ओके, अब मैं आपका यूनिट थर्ड, इकाई थ्री, इसमें क्या है टॉपिक आपके, इसमें है सांस्कृतिक और सजातीय विविधता, भाषा, जाति, क्षेत्र और धार्मिक विश्वासों व आचरणों के संदर्भ में विविधताएं. ओके, यूनिट फोर्थ के टॉपिक हैं भारत में जनजातीय समुदाय, भौगोलिक वर्गीकरण, सात्मीकरण, एकीकरण और दृढ़ कथन की समस्या, जनजाति में पिछड़ापन और अविकास. ओके, तो आपका ये यूनिट वन का टॉपिक हो गया, यूनिट टू के टॉपिक ये हैं, यूनिट थर्ड के टॉपिक एंड यूनिट फोर्थ के टॉपिक. अब हम बात करते हैं आपसे यूनिट फिफ्थ के टॉपिक के बारे में. ओके, अब आपके यूनिट फिफ्थ के टॉपिक हैं भारतीय समाज की आधारीय संस्थाएं, जाति, वर्ग, विवाह, धर्म और संयुक्त परिवार. ये आपके अभी यूनिट फिफ्थ. यूनिट सिक्स है आपके, यूनिट सिक्स में है आपके टॉपिक भारत में
सामाजिक वर्ग, कृषक ग्रामीण, कृषक कौन होते हैं? किसान, ग्रामीण जो गांव के लोग होते हैं उन्हें बोलते हैं ग्रामीण, औद्योगिक नगरीय मध्यम वर्ग, बहिष्करण और समावेश। अब है आपका यूनिट 7। यूनिट 7 के जो टॉपिक हैं वो क्या है? सॉरी, इससे पहले आपके यूनिट 6 में कुछ टॉपिक और भी हैं, जैसे पिछड़ा वर्ग है, बैकवर्ड क्लास है, दलित हैं और स्त्रियां हैं। ओके, तो आपका ये आ गया यूनिट 6 में। यूनिट 6 में क्या क्या आएगा? भारत में सामाजिक वर्ग हैं, कृषक ग्रामीण, औद्योगिक नगरीय मध्यम वर्ग, वहिष्करण और समावेश, और पिछड़ा वर्ग है दलित स्त्रियां। ओके, अब है आपका यूनिट 7। यूनिट 7 के टॉपिक हैं आपके जनसंख्या संरचना और गति की, जनानकी विश्लेषण, जनसंख्या विस्फोट और जनानकी की सिद्धांत, जनानकी सिद्धांत, इसमें जनानकी के सिद्धांत हैं, जनसंख्या वृद्धि है और नियंत्रण है। ओके, तो आपको क्लियर हो गया ये यूनिट 1 का, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 6, यूनिट 6 एंड यूनिट 7। अब आता है आपका यूनिट 8। यूनिट 8 के टॉपिक है भारतीय समाज में परिवर्तन और रूपांतरण, राष्ट्रीय एकीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, भारत में जातिवाद और जाति की राजनीति, संप्रदायवाद और संप्रदायवाद की राजनीति, एंड लास्ट आपका नक्सलवाद। ओके, तो आपका ये यूनिट 8 के टॉपिक हैं। यूनिट 8 में आपको टॉपिक बता दिए गए हैं। ओके, इस तरह से आपकी जो आपका बीए का सेकंड सेमेस्टर है इसमें 8 यूनिट दी गई हैं। ओके, 8 यूनिट के आपके टॉपिक बता दिए गए हैं, यूनिट वाइज आपका सिलेबस है, इसी को आपको स्टडी करना है। ओके स्टूडेंट, और इंग्लिश में आपको बता ही दिया पहले ही। ये इंग्लिश का है आपका, क्योंकि आपको पहले भी बता दिया गया है यूनिट 1 के टॉपिक, यूनिट 2 के टॉपिक, यूनिट 3 के टॉपिक, यूनिट 4 के टॉपिक हैं ये, एंड यूनिट 5 के टॉपिक हो जाएंगे। ओके, यूनिट 6 के टॉपिक, यूनिट 7 के टॉपिक ये हैं आपके, एंड यूनिट 8 के टॉपिक। ओके स्टूडेंट,
तो यही आपका सिलेबस है बीए के सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए ये आपका सिलेबस आ चुका है। आप यूनिट वाइज इसको पढ़ेंगे। ओके, तो सेकंड सेमेस्टर बीए के स्टूडेंट, अब आप कॉन्शियस हो जाइए अपनी पढ़ाई के प्रति, क्योंकि अब आपका सिलेबस आ चुका है। ओके, टाइम वेस्ट करना बंद करिए और अपनी पढ़ाई पर अब ध्यान दीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल, थैंक यू सो मच। और भी स्टूडेंट जो हैं सेकेंड सेमेस्टर के बीए के, आप उन स्टूडेंट को भी ये वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। ओके, तो और आप स्टूडेंट को भी आप शेयर कर दीजिए, जिससे वो स्टूडेंट भी अपना सिलेबस देख पाए। ओके स्टूडेंट, हाँ जी, जो बीए के सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनको भी आप ये वीडियो शेयर कर दीजिए, जिससे उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखिए, अब ये वीडियो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही प्रोवाइड कर दी गई है। ओके स्टूडेंट, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।